चोर साडे पिंड तीन चार बारी आए आ, पर साडा रब की कृपा ला लो, साडे मुंडियां दी मेहनत ला लो भी असीं नुकसान तो बच गए टिकरी पैरियां करके। रात फिर इसे तरह होया, साडे पिंड जंगे मैंबर दे घरे चोर आ गए, उन्हें उठ के रात में रौला पाया और नगर आंढ गुआंढ भी उठ खड़िया और मुंडे जिहड़े ठिकरी पैरे वाले लाया हुआ सी उन्होंने उन्होंने दो बंदियां नूं काबू कर लिया। रात असीं श्री मुकतसर साहिब जी के नज़दीक पेंदे पिंड हरीके कला विखे लंबे समय तो चोरां की दहशत कारण अके पिंड वासी अते नौजवानों ने रात चोरी करने आए चोरां नूं काबू कर लिया। जिक्र योग है कि पिंड वासियों विच काफ़ी दिनों तो सहम का माहौल बनिया होया सी। पिंड वासियों ने दसिया कि चोरां वल्लों आस पास के पिंडां विच भी लगातार चोरी दीआं वारदातां नूं अंजाम दिता जा रहा सी। लोकां वल्लों काबू किए गए चोरां नूं पुलिस हवाले कर दिता अते पुलिस ने लोकां नूं विश्वास दवाया कि उन्हां चोरां उपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जदों पिंड वासियों ने सवेरे थाना वरीवाल विखे काबू किए चोरों बारे पुछगिछ करन पहुंची तो पुलिस ने दसिया कि काबू किए चोरों नूं फरीदकोट मैडिकल कॉलेज विखे दाखिल करवाया गया है। दूसरे पासे पिंड वालियां ने पुलिस से दोष लाते हुए कहा कि पुलिस दे पिंड हरीके कला विखे पहला भी कई बार चोरी हो चुकी हैं पर पुलिस वालों कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने दसिया कि रात काबू किए गए चोरों का कोई भी किसी भी तरह का नजायज़ कुटमार नहीं की गई जो उन्होंने पुलिस ने हस्पताल विच दाखिल करवाया। जिक्र योग है कि थाना बरीवाल के अधीन पेंदे पिंड विच काफ़ी लंबे समय तो चोर रोज सरगर्म है पर पुलिस वालों कोई भी कार्रवाई ना करन ते चोरों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। श्री मुकतसर साहिब तो अनमोल सिंह बड़िंग की खास रिपोर्ट। गुरप्रीत सिंह जी सरपंच पिंड हरीके कलां जी डिस्ट्रिक्ट श्री मुकतसर साहिब जी अज जी तकरीबन साढ़े अज का नहीं है मामला तो काफ़ी देर का है, दो साल हो गए साढ़े 60-65 तोले चोरी हो गया सी सोना हरीके कला और कुछ नकदी ते ओ चोर भी हजे तक नहीं फड़े गए से। उस तो बाद हुण फिर साढ़े वारदात होण लग गईआं सी नेड़ले पिंडां च भी पुट्टी वाला वाड़ा दराका अपना समाग मड़ाक सूर्याला आसा बुट्टर उन्होंने मुख रखदे सी पिंड च ठिकरी पैरा शुरू करता सी आपदे बचाव वास्ते जदों पहले ही साढ़े नाल नुकसान हो गया कुछ नहीं मिलिया। हुण फिर चोर साढ़े पिंड तीन चार वारी आए आ पर साडा रब की कृपा ला लो साडे मुंडियां दी मेहनत ला लो भी असीं नुकसान तो बच गए टिकरी पैरियां करके। रात फिर इसे तरह होया साडे पिंड जंगे मैंबर दे घरे चोर आ गए उन्हें उठ के रात में रौला पाया और नगर आंढ गुआंढ भी उठ खड़िया और मुंडे जिहड़े ठिकरी पैरे वाले लाया हुआ सी उन्होंने उन्होंने दो बंदियां नूं काबू कर लिया। रात असीं वह काबू करके असीं इन्हां नूं अपने देते SHO साहब मंडी बरीवाला नूं इह आ मामला और बेनती असीं सारा नगर आ हरीके कलां पुट्टी वाला सूर्याला तकरीबन 10 पिंडां दे मोहतवार बंदे इत्थे आए है इस बेनती करने वास्ते। SHO साहब अजे सानू मिले नहीं, रात सातों बंदे कस्टडी उन्होंने ले ले सी तो वह कहें असी अपना कोर्ट च है अजे श्री मुकतसर साहब तो उन्होंने सानू एक घंटे का टाइम दिता उन्होंने मिल के असी सानू जिवें विश्वास दवाते उस तरह अगे फिर असी तो यही चाहते भी साढ़े ना इंसाफ हो जिहड़ा एडा साढ़े तक घर पट्टे गए मौजूदा मैंबर पंचायत के भी साढ़े चोरी हो गई सी 6 तोले सोने। सर दसदे आ कि जिहड़े चोरां दे रूप च व्यक्ति तुहाडे संपर्क च आए सी रात उन्होंने कुछ तुहाडे पिंड दे लोकां दे नाम लए। हाँ ये रात उन्होंने क्या एक बंदे का उन्होंने नाम लिया है पर हजे वो आइडेंटिफाई नहीं होएगा ना पुलिस को पता लग्या कौन है वो सानू उन्होंने दस्या भी साढ़े नाल थोड़े पिंड के बंदे सी इसे करके असी जोर दे रहे हैं भी सानू पता लगे पुलिस कढ़ के देवे साढ़े नगर के बंदे वो कौन है जिन्होंने साडा एडा नुकसान ते अगे तो भी साडा नगर उन्होंने तो बच सके। हाँ जी बिल्कुल अगे जावांगे क्योंकि असी बहुत परेशान है जी। SSP साहब नूं भी इस तहत थोड़े माध्यम राही मैं बेनती करदा मेरे ते तुरंत एक्शन लैके इहनूं संभालिया जावे और सानू इन्हां तों चोरां ठग्गां तों बचाया जा सके। असी SSP साहब कोल भी जावांगे और सानू उम्मीद है पूरन SHO साहब भी इमानदार SSP साहब भी और साडी गल सुणगे असी नहीं चाहुंदे सानू अगे कोई वड्डा लोकां नूं क्योंकि करोना महामारी भी है लोक सानू लोकां नूं असी परेशान करके और असी परेशान होईए साडा पहले इहदा प्रशासन कोई हल करके देवे और इन्हां तों जो इन्हां ने साडा कीता उह मड़ा के देवे इन्हां तों पुछताछ पूरी तरह जांच चंगी तरह होवे नहीं फिर असी अगे संघर्ष आपदा वढ़ांगे जी। इही मगर 10-15 दिनां तों साडे पिंड हरीके कलां च रात नूं बंदे आ जांदे सीगे ते कई घरां च आ भी गए सीगे पर मौके ते भज जांदे सी नहीं फड़े जांदे सीगे पर कई रात रात सीगी उदों किते अपने पिंड दे मैंबर जग्गा मैंबर उहदे घरे बंदे आ गए ठीक आ ते लोक पहले नैगेटिव सी उहदे नाल 10 दिन सुत्ते नहीं रात नूं ते कदों बंदे आ गए ते पिंड च रौला पै गया घेरा पै गया उहनां नूं ते सूरा दे पुल ते दो बंदे फड़ ले सीगे रात नूं उहनां नूं पुछ गिछ करी गए रात तों मन्नी गए
ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਰਾਤ 3 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਮੰਨੇ ਆ ਗਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਵੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਂ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਆ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹਜੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਆ ਮਗਰ ਉਹਨੇ 1.5 ਘੰਟਾ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ SHO ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵੀ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦਾ ਬੰਦੇ ਮੰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ SSP ਦਾ ਦਾਖਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਫਿਰ ਸਾਥੇ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੌਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਬਾਕੀ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੋਟਰ ਮਾਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਵੀ ਗਸ ਜਾਂਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 2 ਬੰਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਡਾਊਟ 'ਚ ਫੜੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਡਿੱਗਣ ਡੁੱਗਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਵਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਐਡਮਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਰ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਕੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਊ ਜੇਕਰ ਚੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਕਰਨਾ ਚੋਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਨਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ